हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजीव कुमार। आज की वीडियो हार्डवेयर रेक्टिफायर की प्रैक्टिकल पर आधारित है। इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन करेंगे एवं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट वेवफॉर्म को सीआरओ पर वेरीफाई करेंगे। शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और जो सर्किट रेक्टिफिकेशन में यूज़ होता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित एपरेटस रिक्वायर्ड होंगे। नंबर वन, ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड पर रेक्टिफायर सर्किट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ब्रेडबोर्ड की फंक्शनिंग नहीं पता है, अर्थात ब्रेडबोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, तो ब्रेडबोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के सर्किट डिज़ाइन पर आधारित वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप चाहें तो लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। कंपोनेंट्स नंबर टू। कंपोनेंट्स टू है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब लो आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 909 का है। इससे हम 9 वोल्ट या 18 वोल्ट तक ले सकेंगे। तो ये भी हमें रेक्टिफायर सर्किट को इनपुट देने के लिए रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। नंबर थ्री है डायोड, सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड है, जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड वेव फॉर्म के पॉजिटिव हाफ साइकिल के में फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पर आधारित वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप चाहें तो लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंपोनेंट थ्री रजिस्टर। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। रेक्टिफायर सर्किट में इस ये लोड की तरह काम करेगा, जिसके एक्रॉस वेव फॉर्म हमको प्राप्त होगी, आउटपुट वेव फॉर्म जो कि रेक्टिफाइड आउटपुट होगा। तो इसको हम एज ए लोड की तरह यूज़ करेंगे। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी सीआरओ। सीआरओ को रेक्टिफाइड की आउटपुट वेव फॉर्म और इनपुट वेव फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। सीआरओ के ऑपरेशन पर आधारित वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप चाहें तो लिंक पर जाकर इस सीआरओ के ऑपरेशन रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के ऑपरेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारे लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो है ब्रेडबोर्ड, सिलिकॉन डायोड, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यहाँ सेंटर टेप की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और रजिस्टर, और उसके साथ सीआरओ एंड सीआरओ प्रोब्स। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के ऑपरेशन को मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स वन में ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट्स की हेल्प से रेक्टिफायर सर्किट को डिजाइन करेंगे। पार्ट टू में रेक्टिफायर सर्किट में इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। एंड पार्ट थ्री में
रेक्टिफायर सर्किट की वेव फॉर्म को के आउटपुट वेव फॉर्म एंड इनपुट वेव फॉर्म को सीआरओ पर स्टडी करेंगे, वेरीफाई करेंगे एवं इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को कंपेयर करेंगे। पार्ट फोर में हम रेक्टिफायर सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। हार्डवेयर रेक्टिफायर के सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन करने से पहले हम हार्डवेयर रेक्टिफायर के सर्किट को समझेंगे। ये डायोड है, कैथोड है, इसका टर्मिनल कैथोड से रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर के दूसरे हिस्से को एक वायर से कनेक्ट करते हुए इसके बराबर कर देंगे। रजिस्टर को कैथोड से कनेक्ट कर दिया डायोड के। रजिस्टर की पोलरिटी यहाँ जरूरी नहीं है, रजिस्टर में पोलरिटी का ध्यान रखना नहीं होता है क्योंकि रजिस्टर जो है बाइलेटरल होता है, तो इसके किसी भी टर्मिनल को डायोड के कैथोड से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस पर इनपुट कनेक्शन देंगे, तो ये इनपुट कनेक्शन देंगे, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से एक कनेक्शन एनोड को देंगे और दूसरा रजिस्टर को देंगे। और ये प्राइमरी कॉइल है जो हमारे 240 वोल्ट के एसी से कनेक्टेड होगा। तो ये सर्किट डायग्राम है, तो इनपुट हमने दे दिया डायोड के एनोड को और रजिस्टर के दूसरे हिस्से को ट्रांसफार्मर के दोनों वायर से कनेक्ट कर दिया। और ये रजिस्टर है जिसको हम लोड भी बोलते हैं, जो हम रेक्टिफायर की आउटपुट वेव फॉर्म को देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज को हम लेंगे, तो वो रजिस्टर के एक्रॉस जो वोल्टेज है उसके एक्रॉस हमको वेव फॉर्म दिखाई देगी जिसको हम सीआरओ के माध्यम से देखेंगे। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को हम सीआरओ में इनपुट करेंगे और हमें जो है आउटपुट वेव फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो ये सर्किट डायग्राम है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जहाँ से हमें 9 वोल्ट या 6 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा और यहाँ से हमको रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा जिसको हम सीआरओ पर इनपुट दे करके उसकी वेव फॉर्म को देखेंगे। ये सर्किट डायग्राम रहा, ये डायोड है, ये रजिस्टर है, हमारे पास रजिस्टर 1 किलो ओम का है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा सर्किट डायग्राम रहा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम इसको ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन करेंगे। हम ब्रेडबोर्ड पर सर्किट को डिजाइन करेंगे। देखिए ये डायोड है, डायोड को हम ब्रेडबोर्ड पर सर्किट एरिया में डिजाइन लगाए हैं, कनेक्ट कर दिए। ये एनोड है, ये कैथोड है, उसके बाद रजिस्टर को एनोड की दूसरी साइड कैथोड से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट का एक पार्ट कनेक्ट कर दिया, दूसरा सप्लाई के लिए अवेलेबल है, सही आप देख पा रहे हैं। सर्किट डायग्राम में मैंने आपको सर्किट के बारे में बताया था कि ये डायोड से एनोड है, ये पार्ट ये एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड है, कैथोड से रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है और ये रजिस्टर का दूसरा सिरा सप्लाई के लिए अवेलेबल है, ये एनोड डायोड का एनोड ये भी सप्लाई के लिए अवेलेबल है। सर्किट एरिया पर सर्किट डिजाइनिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, सप्लाई के लिए कनेक्शन दे रहा हूँ। सर्किट एरिया पर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को डिजाइन कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब
हाफ वेव रेक्टिफायर पर इनपुट सप्लाई और आउटपुट के लिए कनेक्शन देंगे, जैसा कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम में बताया था। तो सबसे पहले हम इनपुट कनेक्शन देंगे। अब ये पावर रेल पर मैंने ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आई हुई है इनपुट सिग्नल के लिए, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, पावर रेल पर कनेक्ट कर दिया। अब इसको मैं रेक्टिफायर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये डायोड के एनोड से मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया, सप्लाई दे दी इसको इनपुट। दूसरा कनेक्शन मैंने दिया है रजिस्टर से, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैंने रेक्टिफायर का इनपुट कनेक्शन दे दिया है। अब हम रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे, जिसको हम सीआरओ से इनपुट देंगे, ताकि हम सीआरओ पे अब भी रेक्टिफायर की आउटपुट वेव फॉर्म को देख सकें। ये सीआरओ की प्रोब है, जो दोनों ही एलिगेटर टाइप हैं। मैं इसको रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम आउटपुट लोड के अक्रॉस लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पास में लोड जो है वो रजिस्टर है, इसको मैंने सीआरओ के लिए आउटपुट भी दे दिया है। देखिए, हमने रेक्टिफायर की सर्किट के लिए इनपुट कनेक्शन और आउटपुट कनेक्शन दे दिए हैं। यहाँ से इनपुट दिया हुआ है, ये पावर रेल है, यहाँ से इनपुट दिया है, ये इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल हमारा एसी सिग्नल होगा, और यहाँ से हम आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं, आउटपुट जो कि हमारा डीसी होगा, जिसको हमने रजिस्टर से लिया है। रजिस्टर हमारा यहाँ पर लोड है, ये सीआरओ की प्रोब है, जिसके द्वारा हम सीआरओ को इनपुट देखेंगे। यहाँ से हम डीसी वोल्टेज का आउटपुट वेव फॉर्म देखेंगे, जो कि रेक्टिफाइड वेव होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। ये देखेंगे कि हमने जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डिजाइन किया है, उसकी आउटपुट डिजायरेबल है या नहीं है, जो हम चाहते हैं वो आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसको हम सीआरओ से वेरीफाई करेंगे। तो मैं ये सप्लाई ऑन करता हूँ, सीआरओ को ऑन करता हूँ। सबसे पहले जैसा ही आप देख पा रहे हैं, मैंने ट्रांसफार्मर के थ्रू सर्किट को साइन वेव दी है इनपुट पे, और आउटपुट पे हमको हाफ वेव रेक्टिफायर की हाफ वेव डीसी आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि रेक्टिफायर से एसी का डीसी में कन्वर्जन होता है। तो ये जो वेव आपको दिख रही है, ये हाफ वेव शो हो रही है, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, इसको आप डीसी भी कह सकते हैं। ये डीसी है, बस इसमें रिपल फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। अब हम रेक्टिफायर की इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, इनपुट वेवफॉर्म हमने चैनल नंबर 2 पे दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो ऊपर वाली वेवफॉर्म है, ये आउटपुट वेवफॉर्म है, और ये साइन वेव इनपुट वेवफॉर्म है, जो हमने रेक्टिफायर के इनपुट पे दी है। डायोड का इनपुट वेवफॉर्म जो देख रहे हैं आप, ये साइन वेव है, और जो ऊपर वाली है ये रेक्टिफाइड आउटपुट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड के एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से एवं कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस स्टेट में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तथा डायोड से करंट फ्लो हो जाती है। इसके विपरीत, डायोड के एनोड को नेगेटिव सप्लाई से एवं कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दें, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, तथा डायोड से करंट फ्लो नहीं होती। इसी सिद्धांत पर हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझेंगे। इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट सिग्नल का ये है हमारा, इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो देखिए,
जैसी डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गई, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसके लिए डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाता है, तो यहाँ पर ये क्लिप हो गया, यहाँ पर आउटपुट नहीं मिला। अगली साइकिल के लिए फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो आउटपुट भी हमको हाफ वेव मिल गई, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स हो गया तो यहाँ पर हमको आउटपुट नहीं मिला। फिर अगली साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो हमको आउटपुट पे हाफ वेव मिल गई, और अगली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस हो गया और आउटपुट पर हमको कोई वोल्टेज नहीं मिला। तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्लिप्ड है। इस ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप ये सब नेगेटिव हाफ साइकिल का है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ और आउटपुट पे हमको वोल्टेज नहीं मिला, इसलिए नेगेटिव साइकिल क्लिप्ड हो गई। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आउटपुट पे हमें हाफ रेक्टिफाइड वेव मिलती है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।